मसूर दाल तड़का। क्या आपने आज से पहले बनाया है मसूर दाल का तड़का? चना दाल का तड़का तो आपने कई बार बनाया होगा, खाया होगा। तो चलिए आज हम बनाते हैं मसूर दाल के तड़का, जिसे बनाना तो बहुत आसान है, इसका स्वाद तो मत पूछिए, बहुत ही कमाल की लगती है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अंजलि और अंजलि की नन्ही रसोई में आपका स्वागत है। तो अगर आपको आज का ये रेसिपी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब मसूर दाल को भिगो दिया था, जो कि फूल के काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो इसे हमें 10 मिनट तक भिगोना है, काफ़ी अच्छे से फूल जाती है। तो अब चलते हैं गैस की ओर। तो गैस पे मैंने रखा है कढ़ाई, उसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच जितना तेल। तेल गर्म होने के बाद इसमें हम डालेंगे 2 अंडे। तो तड़का बनाने के लिए हमें अंडे की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर मैंने 2 अंडे डाले हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच हल्दी, 1 चुटकी नमक। नमक हम दोबारा इस्तेमाल करेंगे। अब इसे हम अच्छे से भून लेंगे, इसका एक भुजिया बनाकर तैयार कर लेंगे। जब हम अंडे को डालेंगे तो गैस की फ्लेम हमको बिल्कुल मीडियम लो रखनी है, और सारे मिश्रण को डालने के बाद गैस की फ्लेम हमें हाई करके 2 से 3 मिनट के लिए अंडे को भून लेना है, इसका भुजिया बना लेना है। तो देख सकते हैं अंडा काफ़ी अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो इसे अब हम फटाफट से बाहर निकाल लेते हैं। अब फिर से चलते हैं गैस की ओर। तो गैस पर मैंने फिर से कढ़ाई रखी। अब इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी के टुकड़े और 2 लौंग। साथ ही में मैंने डाला है 1 छोटी चम्मच जीरा, 2 से 3 बारीक कटा हुआ मिर्च, 3 से 4 बारीक कटा हुआ लहसुन। अब सभी को हम 15 सेकेंड के लिए अच्छे से भून लेंगे। तो देख सकते हैं सारे मिश्रण का कलर चेंज हो रहा है, तो बस अब हम इसी टाइम इसमें डाल देंगे प्याज। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक काट के डाला हुआ है। अब प्याज को हम हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो प्याज काफ़ी अच्छे से पक चुका है, तो इसमें अब हम डालेंगे 1 बड़ी साइज़ का टमाटर, जिसे मैंने छोटे छोटे पार्ट में कटिंग कर लिया है, और इसे हम 15 सेकंड के लिए भून लेंगे। टमाटर को हमें ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, तो लगभग 15 सेकंड हो चुका है। तो अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसाला डालते समय गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर दें। तो सबसे पहले इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच भुने जीरे का पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटी चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। अब सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम मीडियम लो रखते हुए इसे हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। सारे मिश्रण तो काफ़ी अच्छे से भुना चुके हैं, अब हमें मसाला को अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो 2 से 3 मिनट हो चुका है, मसाले से तेल भी रिलीज हो चुका है। तो अब इसी टाइम इसमें हम डालेंगे मसूर दाल, जिसे हमने भिगो लिया था। अब मसूर दाल को हम हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। तो जैसे जैसे मसूर दाल को हम भूनते जाएंगे, वैसे वैसे इसका कलर भी बिल्कुल चेंज होते जाएगा और इसमें एक सोंधापन आ जाएगा, खुशबू भी काफ़ी अच्छी आने लगेगी। तो देख सकते हैं धीरे धीरे मसूर दाल का कलर बिल्कुल चेंज होते जा रहा है। टोटल इसे मैंने 3 से 4 मिनट तक भुना है, तो काफ़ी अच्छे से मसूर दाल जो है भुना चुका है और इसमें से काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तो इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो पानी इसमें हमें 1 से 1.5 गिलास के करीब डालना है। वैसे तो मसूर दाल को हमने फुला दिया था, तो 50% इसका काम हो चुका है। तो 50% पकाने के लिए इसमें हम 1 से 1.5 गिलास के करीब पानी ऐड करेंगे। अब इसे हमें ढक करके पका लेना है। तो इसे अब हम एक बार चेक कर लेते हैं। तड़के में 1 उबाल आने के बाद इसे मैंने 5 से 6 मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम पे पकाया है, जिसके कारण देख सकते हैं तड़का काफ़ी अच्छे से पक चुका है। अब इसमें हम डालेंगे फ्राई किया हुआ अंडा और साथ ही में डालेंगे 1 चम्मच के करीब गर्म मसाला, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गर्म मसाला की जगह आप मीट मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे क्या है इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। मिक्स करने के बाद इसे हम फिर से ढक देंगे और मीडियम लो टू फ्लेम पे इसे हम 2 मिनट के लिए फिर से पका लेंगे। 2 मिनट बाद इसे हम चेक कर लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे धनिया पत्ता। धनिया पत्ता डालने के बाद इसे हम फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल की खुशबू आ रही है। तो अगर आपने आज से पहले मसूर दाल का ये तड़का नहीं बनाया है, तो जाइए अभी फटाफट से बनाइए, बहुत ही कमाल की लगेगी। धनिया पत्ता डालने के बाद गैस को हम बंद कर देंगे और इसे हम 15 सेकेंड के लिए ढक देंगे। 15 सेकेंड बाद इसे हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही कमाल का मसूर दाल का तड़का बनके तैयार हो चुका है। सबसे बड़ी बात है, आप इसे किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, रोटी, चावल, पराठा, बहुत ही कमाल की लगती है। तो चलिए इसे फटाफट से हम सर्व कर लेते हैं। तो देख सकते हैं जितना सुंदर देखने में लग रहा है, उतना ही कमाल का टेस्ट है इसका खाने में। तो अगर आपने आज से पहले मसूर दाल का तड़का नहीं बनाया है, तो एक बार ज़रूर बनाइएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा और बनाने में भी बहुत ही आसान है। घर के बेसिक सामान से आप झटपट से ये तड़का बना के तैयार कर सकते हैं। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा।
मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा। मैं रोज़ ही नए नए प्रकार के डिश बना के डालती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, वेज नॉन वेज दोनों प्रकार के डिश बनाती हूँ, तो ऐसे ही वीडियो पर बने रहिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए फिर से मिलते हैं दोस्तों अगले नए वीडियो में।